ना समोसा ना कचौड़ी ना आलू बंडा सब कुछ खाना भूल जाएंगे जब एक बार इस तरह से स्नैक्स बनाकर देखेंगे और खाकर देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू समोसा को भूल जाने वाली एक नई डिश, जिस आटे से बनने वाला एक मज़ेदार स्नैक्स जिसमें हम आलू की फिलिंग करेंगे और आटे का बेस बनाएंगे। जिसके लिए हमने यहाँ आटा ले लिया है, फिलिंग के लिए यहाँ हमने आलू लिए हैं, गाजर ली है, मिर्ची ली है, अदरक ली है और धनिया ली है। साथ ही में यहाँ हमने मटर ले लिया है। अब हम के लिए हम यहाँ आटा लगाएंगे। यहाँ हमने एक कटोरी आटा ले लिया है, साथ ही में इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, थोड़ा सा अजवाइन डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें घी डाल देंगे, दो चम्मच के करीब। घी से अच्छा टेस्ट आता है और अच्छा क्रिस्पी होता है, इसलिए हमने घी डाला। अब हमने आटे में सारे चीजों को अच्छे से मिला दिया है। इसमें अब हम थोड़ा सा पानी डाल के एक टाइट डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंथेंगे। अब आटा गूंथ चुका है, हमने इसको टाइट आटा गूंथा है। अब हम फिलिंग तैयार करेंगे इसके लिए। अब हमने ये मटर ले लिए, अब हम इसको मिक्सी के जार में हल्का सा दरदरा पीस लेंगे और फिर फिलिंग तैयार करेंगे। अब हमने किसा हुआ आलू ले लिया है, उबला और किसा हुआ आलू। इसमें हम किसा हुआ गाजर डाल देंगे। अब हमने गाजर डाल दिया, साथ ही में हमने ये हरी मिर्ची डाल देंगे, किसा हुआ अदरक डाल देंगे, कटा हुआ धनिया डाल देंगे। अब हम इस पे स्पाइसेस डालेंगे, स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे, साथ ही में इसमें हम थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें आमचूर पाउडर डाल देंगे। और अब बस इसमें ये जो हमने मटर को पीस के रखा था उसको डाल देंगे। आप किसी की भी फिलिंग तैयार कर सकते हैं, आपको जो पसंद हो वो सब्जी डाल सकते हैं इसमें। अब इसको अच्छे से मिला देंगे सारी चीज़ों को, फिर एक स्लरी तैयार करेंगे। ये अब अच्छे से मिल चुका है, हम स्लरी बना रहे हैं। इसके लिए यहाँ हमने आटा ले लिया है, इसमें हम थोड़ी सी सूजी मिला देंगे, साथ ही में इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल देंगे। और अब हम इसका एक गाढ़ा, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी एक स्लरी बनाएंगे। अब हमने ये थोड़ा सा आटा ले लिया है, इसकी हम एक लोई बना लेंगे ऐसी, और एक बड़े से आकार में इसको बेल लेंगे। इसमें हल्का सा आटा लगा लेंगे और इसको हल्के हाथ से ऐसे पतला बेल लेंगे चारों तरफ घुमा घुमा के, और खूब बड़ा सा बना लेंगे। अब हमने इसको अच्छे से बेल लिया और इतना पतला रखा है, आप भी इतना पतला रखें। अब हम ये थोड़ा सा आलू लेंगे, इसको ऐसे चारों तरफ फैला के पूरे में लगा लेंगे। अब हमने अच्छे से फिलिंग लगा दी है, अब हम एक तरफ से इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको ऐसे रोल कर देंगे दबा दबा के अच्छे से। ये देखो ऐसे अच्छा रोल हो गया, इसको हम यहाँ से ऐसे पैक कर देंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी, और इसको थोड़ा सा ऐसे हल्के हाथों से लंबा कर लेंगे। लंबा होने के बाद ये पैक हो चुका है, इसको हम ऐसे चाकू की सहायता से कट कर लेंगे छोटा छोटा, और एक ऐसे इसको लोएंगे और इसको ऐसे दबा देंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। अब ये देखिए हमने ऐसे सारे बना लिए हैं। अब हम एक इसको ऐसे लेंगे, इस स्लरी में ऐसे दो डिप करेंगे और फिर ऐसे
इसी से यहाँ डीप फ्राई करेंगे। कढ़ैया गर्म हो चुकी है, इसमें हम डाल देंगे, एक ही एक करके ऐसे डालते जाएं और लगाते जाएं। अब हमने में डाल दिए हैं सारों को, और इसको अभी झरिया नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा नीचे सिक जाने देंगे, फिर हम झरिया से पानी लगाएंगे। हल्का सा सिक चुका है, अब हम इसको पलटा के सेक लेंगे। गैस को थोड़ा तेज आंच में ही रखेंगे। आप आलू बंडे, समोसे, कचौड़ी सब कुछ भूल जाएंगे जब ये वाला स्नैक खा के देखेंगे एक बार। आटे से बना हुआ है, बहुत ही हेल्दी है, हमने मैदे का एक भी उपयोग नहीं किया है। अब हमने इसको अंडा पर जाके दोनों तरफ अच्छे से सेक लिया, बहुत अच्छे सुनहरा सीख चुका है, हम इसको इसे निकाल देंगे और प्लेटिंग करेंगे। ऐसे ही हम सारे स्नैक्स को सेक लेंगे। गर्मा गर्म स्नैक्स बनकर तैयार है खाने के लिए, आप भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं, बहुत टेस्टी लगता है। समोसा, कचौड़ी सब कुछ खाना भूल जाएंगे जब एक बार ऐसा स्नैक्स खाएंगे। आप हरी चटनी के साथ खाएं, सॉस के साथ खाएं, किसी के भी साथ खाएं, बहुत अच्छा लगता है। एक बार बनाकर जरूर खाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाय बाय। गर्मा गर्म आलू और आटे से बना स्नैक्स बनकर तैयार है, आप समोसा, कचौड़ी सब कुछ खाना भूल जाएंगे एक बार जब ये खाएंगे।